हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट मेहंदी विद रोशनी। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि शेडिंग स्टाइल किस प्रकार से की जाती है। आज ही हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और आज हम देखेंगे कि और बेसिक शेप्स देखेंगे और इसमें हम शेडिंग किस प्रकार से करते हैं वो देखेंगे। प्लीज़ जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप प्लीज़ पेंसिल और पेपर साथ में लेकर बैठिए और जैसे जैसे मैं क्रिएट करते जा रही हूँ, ड्रॉ करते जा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ वैसे ही ड्रॉ करते जाइए और शेडिंग करते जाइए। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपके हाथों में क्लैरिटी आएगी। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। शेडिंग स्टाइल का पार्ट टू। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा पार्ट वन शेडिंग स्टाइल का कि किस प्रकार से हमने शेप्स में शेडिंग किया है। तो फ्रेंड्स, आप पेपर और पेंसिल ले लीजिए और मेरे साथ जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसे वैसे आप अपने पेपर पे ड्रॉ करते जाइए, जिससे आपके शेप्स भी अच्छे बनेंगे, प्रैक्टिस भी होगी और क्लैरिटी आएगी और शेडिंग किस प्रकार से करनी है आपको वो बनते जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं आज के हम कुछ बेसिक पैटर्न्स। अब मेरे साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलिए और अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप उसकी एक ही शेप्स की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए और शेडिंग करते रहिए पेपर में। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पेपर और पेंसिल के साथ बताया है, कोन के साथ नहीं बताया है। सबसे पहले हम पेपर और पेन के साथ करेंगे क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, तो हम अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे मेहंदी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगता है मेहंदी बनाना तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप पेपर में पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिए या पेन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सीधे आप पहले कोन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग स्टेज है। देखिए इस प्रकार से। Thank you.
फ्रेंड्स, इससे पहले कि आपने पार्ट वन शेडिंग का नहीं देखा है, शेडिंग क्लास का पार्ट वन नहीं देखा है, तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से उसे चेकआउट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और आपको मुझे बताएंगे कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और आपने कितना अपनी मेहंदी में इम्प्रूव कर चुका है। और प्लीज़ आप इसे पेंसिल की हेल्प से आप प्लीज़ बनाते रहिए जब तक कि आपके आप अच्छे से सीख ना जाए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज का आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। हम आगे के वीडियो में शेप्स की फिलिंग करना देखेंगे, किस प्रकार से शेप्स की फिलिंग की जाती है, और कुछ बेसिक पैटर्न्स देखेंगे कि किस प्रकार से मेहंदी के हमें ज़रूरत पड़ती है मेहंदी में, उन बेसिक पैटर्न्स की। और फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपने अभी तक कितना इम्प्रूव किया हुआ है, आपकी मेहंदी में कितना इम्प्रूवमेंट आ चुका है। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप शेप्स का ड्रॉ शेप्स की प्रैक्टिस कीजिए, शेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रिप्स की प्रैक्टिस कीजिए, फ्लावर्स की, पेटल्स की प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आपको ये पूरी तरह से बन पाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और इससे पहले आपने शेडिंग की पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए और जाके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए पेंसिल विद पेपर। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके कुछ बेसिक पैटर्न्स और शेप्स की किस प्रकार से फिलिंग की जाती है, तो प्लीज़ आप देखना ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक।